और आज ना यहाँ पे एक स्कूल में ना कुछ कल्चरल डे है स्कूल का। गाइस हाँ, हम लोग ना स्कूल में पहुंच चुके हैं, जो बताया था कि आपको कल्चरल एक्टिविटी हो रही है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डांस फॉर्म? चुमोर डांस। चुमोर। A long tiring day at work. सो गाइज, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले भाई सॉरी सॉरी भाई, आज के व्लॉग में भी ना फ्लैग थोड़ा उल्टा है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। वो भाई मैंने जान के नहीं किया है, वो हो चुका है गलती से। व्लॉग ने 3 से 4 दिन पुराने हैं। मैंने जब पहला व्लॉग पब्लिश किया ना, तब मेरे को पता लगा है, मेरे को पता ही नहीं लगा कि फ्लैग उल्टा हो रखा है। ध्यान ही नहीं गया मेरा उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में लगाया था ना, तो मैंने फ्लैग सीधा ही लगाया था। उसके बाद एक दो बार मेरे को मैंने वो नागल एक और दूसरा मेरे पे जैसा फ्लैग है ना, ऐसा एक मैंने एक और बनवाया था, उसको लगाया, तो उसके चक्कर में वो फ्लैग उल्टा हो गया, मेरे को ध्यान ही नहीं गया। तो गाइस प्लीज़ आज के लिए और का एडजस्ट कर लेना, बाकी आई एम सो सॉरी उसके लिए कि फ्लैग उल्टा है। बाकी कल से जो व्लॉग आएगा उसमें फ्लैग आपको उल्टा नहीं मिलेगा, ठीक है? थोड़ा सा पोर्शन है कल वाले व्लॉग का भी, जिसमें थोड़ा सा पोर्शन में व्लॉग उल्टा होगा, कोशिश करूंगा वो पोर्शन में डालू ही ना, ठीक है? बाकी अगेन सॉरी गाइस, एंजॉय। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नागालैंड। तो नागालैंड की ना एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है तुनश्यांग करके, वहाँ पे एक पिंजांग करके गांव है, यहाँ पे मैं हूँ। तो कल मैं ना यहीं रुका था, सामने देख रहे हो कम्युनिटी सेंटर, इसी कम्युनिटी सेंटर मैंने ना अंदर अपना टेंट वगैरह लगा लिया था, और बाइक मैंने खड़ी कर दी थी इस वाले घर में, ये एक आंटी का घर है, तो यहाँ अंदर बाइक खड़ी कर दी थी। अभी अपनी बाइक निकाली है, और अभी थोड़ा सा ना मैं आपको तुनश्यांग घुमा के लाता हूँ। और आज ना यहाँ पे एक स्कूल में ना कुछ कल्चरल डे है स्कूल का, तो वहाँ पे कुछ स्कूल के बच्चे कल्चरल ड्रेस पहन के डांस वगैरह करेंगे, तो वो भी देखने चलते हैं। अगर हमको परमिशन मिले स्कूल में अंदर जाने की, तो वो भी आपको दिखाएंगे, वरना तो आपको तुनश्यांग दिखाई देंगे। वैसे एक्चुअली ना 10 बजे से प्रोग्राम था स्कूल में, मैं लेट हो चुका हूँ, 10:30 बज चुके हैं, तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा लेट ही जाऊँ ताकि ज़्यादा चीज़ें मैं देख पाऊँ। बिल्कुल जाते जाते तो पता नहीं क्या ही देखने को मिलता मेरे को। बाकी दोस्तों हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग भाई? मैं बहुत बढ़िया हूँ, और इस टाइम ना नागालैंड में हूँ, नागालैंड के तुनश्यांग डिस्ट्रिक्ट में भाई। किसी टाइम पे नागालैंड में ना ओनली 3 डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, कोहिमा, मोकोचुंग और तुनश्यांग। तुनश्यांग अपने आप में 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट मिला के बना है। बहुत लंबी कहानी है भाई नागालैंड की, बैठ के बताएंगे आराम से आपको। बाकी अभी थोड़ा सा कल्चर दिखाते हैं आपको, इन लोगों की ड्रेस दिखाते हैं। और जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं हूँ ना, तुनश्यांग डिस्ट्रिक्ट में, इसमें लगभग 3 से 4 मेजर ट्राइब हैं, ठीक है? बाकी यहाँ पे एक चांग ट्राइब होती है, जो कि बोलते हैं अपने आप को कि हम लोग चाइना से आए हुए हैं। ये है भाई कल्चरल फेस्ट, इनसे पूछता हूँ क्या हम लोग अटेंड कर सकते हैं क्या। एक्सक्यूज मी ब्रदर, कैन आई अटेंड दिस फेस्टिवल? कैन आई गो? बड़ा सही सा लग रहा है यार। कैन आई अटेंड फेस्टिवल? आई वॉन्ट टू सी बाइक।
नॉर्थ ईस्ट सिंस लास्ट 3 months आई एम हियर इन नॉर्थ ईस्ट. गाइस हाँ, हम लोग ना स्कूल में पहुंच चुके हैं, जो बताया था कि आपको कल्चरल एक्टिविटी हो रही है. तो अभी मेरे को कोई मिले, मैंने उनसे थोड़ा परमिशन लिया. बाकी जो यहाँ के प्रिंसिपल है, मेन फादर है, उनसे परमिशन नहीं मिली अभी. मतलब उनसे मेरी बात ही नहीं हुई अभी. मौका मिलेगा तो उनसे अपने आपको इंट्रोड्यूस करेंगे. मैं ना यहाँ पे बच्चों से बात करना चाह रहा था जो अलग अलग ड्रेस पहनी हुई है, उनसे थोड़ा बात करके उनके कल्चर के बारे में जानेंगे. बाकी यहाँ पे ना कुछ कल्चरल डांस वगैरह चल रहे हैं, तो अभी जो चल रहा है वो सिमिलर है आसमीज डांस के. What is the name of this folk dance? This dance form. What is the name of this dance form? Chumor dance. Chumor. Chumor dance चल रहा है. Similar Assamese के दिखाता हूँ आपको. संगथाम ट्राइब के जो लोग हैं ना, वो आ रहे हैं अपना डांस करने के लिए और अपना कल्चर दिखाएंगे आपको. देखो यार, मैं बता ज्यादा रहा हूँ. A long tiring day at work. On a moonlit night, the women and young children gather around and chanting the song with the beating of bamboo, acting as soundtrack to the chants. This song says, their natives live under the shelter of great white bamboos and broad palm leaves. All the men and women flaunt their beauty by wearing their colorful jewelries like the petrel sprayed with red feet. This song conveys the youth to be as tasteful as the salt and be as bright as the flush. With this, the song called all the youngsters of Saint-Onians to enjoy the playful song with the Camion dance group. At the cultivations of enormous field known as Sek, New Sek
may be honored. The synopsis of Tikir folk dance, here Rara Hira, this phrase means assemble. Limnyo means reach, which means we have reached together for merrymaking. Purification, unity, and the renewal of friendship among the Jam tribe. It also symbolizes as a passage of rite where the youth make a transitioning milestone entering into adulthood, manifesting maturity with new responsibility. What's up?
सो गाइज लगभग ना यहाँ पे मैं 10:30-11 बजे करीब आया था, और ना अब 12:30 बज चुके हैं, और यहाँ पे ना अभी भी फंक्शन चल रहा है, फंक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन मैं ना वेट कर रहा था कि अभी जो गाने वाने बज रहे हैं कि वो बंद हो, उसके बाद ना मैं स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग ड्रेसें पहन के आए हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कल्चर के बारे में, वो कौन सी ट्राइब के बारे में, उस ट्राइब की क्या स्पेशलिटी है, उस बारे में बात करते हैं। लेकिन बारिश हो गई है अब और सारे लोग ना, जितने भी सारे बच्चे लोग हैं वो वापस जाने लग गए हैं, रूम वगैरह में जा रहे हैं, कपड़े वपड़े चेंज कर रहे हैं। तो देखते हो अगर चांस लगेगा तो कुछ लोगों से तो बात करेंगे, ठीक है। बाकी बहुत प्यारे लग रहे हैं भाई, नागालैंड की ना यही खासियत है, यहाँ पे काफ़ी कल्चर है, काफ़ी ट्राइब है, और सारी ट्राइब की ना अपनी अपनी बोली है, अपना अपना कल्चर है और अपनी अपनी ड्रेस है, और जिसको ना अभी तक प्रिजर्व करके रखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है भाई। मतलब कल्चर सारी स्टेट में है लेकिन धीरे धीरे ना लोग भूल रहे हैं, लेकिन नागालैंड में ना आपको दिखेगा कि लोगों ने अभी तक अपने कल्चर को संभाल के रखा हुआ है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे देखने आया था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, हॉर्नबिल में मैं नहीं आ पाया, लेकिन मैं इस जगह पे आज आया ना, तो मैंने काफ़ी हद तक काफ़ी कल्चर देखा नागालैंड का। चलो गाइस, फाइनली बारिश रुक गई है और टाइम हो गया भाई 2 बज गए हैं। तो अब एक काम कर रहे हैं, यहाँ ऊपर अब मार्केट में चल रहे हैं, कुछ खाना खा के आते हैं और थोड़ा कैश निकालते हैं। कैश भी ख़त्म नहीं है हमारे पास में, विदाउट कैश ही चल रहा हूँ भाई मैं जब से, बहुत दिनों से। टाउन किस साइड है भाई? ठीक। मेरी बाइक की तो ना ऐसी बैंड बज चुकी है, सारे नट वगैरह सब हिल रहे हैं, कीर्तन कर रही है मेरी बाइक। अब कोई दुकान देखते हैं खाने की और खाना खाने के लिए बैठते हैं भाई। खाने में क्या मिलेगा भाई? एक रेस्टोरेंट मिला है यहाँ पे, देखते हैं कुछ खाने को मिल जाए। सुबह भाई जी, हमारा लंच आ चुका है और आज लंच में हम खा रहे हैं चावल और आलू की सब्जी और दाल। भाई साहब, अभी क्या है ना कि नवरात्रे चल रहे हैं, तो उसी लिए हम लोग अब वेज ही खाएंगे 8-9 दिन। बाकी नागालैंड के जो वेजिटेबल में क्विजन होगी ना वो ट्राई करेंगे, ठीक है। बाकी भाई सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रे। बाकी एक चीज़ और ये आई है, क्या चीज़ है? स्क्यूज है शायद, बॉइल्ड। गाइज आई एम सॉरी, व्लॉग में जो आपने फ्लैग देखा है ना मेरे बाइक पे, वो उल्टा लगा हुआ है, मुझे पता है, और उसके लिए मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है, और मेरे को ना कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं उसको कैसे सीधा कर पाऊँ। मतलब वीडियो शूट हो चुका है, पहले का शूट हो चुका है, मुझे नहीं पता था उस टाइम पे, और वो ब्लॉग 4-5 दिन पुराने हैं, 5 दिन पुराने ब्लॉग डल रहे हैं, तो उसके लिए भाई मैं दिल से सॉरी मांग रहा हूँ। बाकी कल का ब्लॉग और है, उसमें थोड़ा सा पार्ट है जिसमें फ्लैग उल्टा है, उसके बाद फ्लैग उल्टा नहीं मिलेगा। अब तो भाई मेरी बिल्कुल नज़र रहती है कि फ्लैग ना बिल्कुल उल्टा ना हो के जाए, तो आई एम सॉरी, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि फ्लैग ऐसे उल्टा लग रहा है। बाकी उसका एक ही ऑप्शन है कि मैं व्लॉग ही ना डालूं, फिर वो पूरा पोर्शन हटा दूं, तो ना जर्नी मिस हो जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा मैं कहां से कहां पहुंचा, तो उसके लिए वो पार्ट भी डालना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं डाल रहा हूं। लेकिन कोशिश कर रहा हूं बाइक का पार्ट है वो जो कम डालूं, इसलिए मैंने बाइक का काफ़ी सारा पोर्शन ना हटा दिया है वीडियो में से, कई कई जगह पर रखा है ताकि वो ज़्यादा ना दिखे, ठीक है। बाकी व्लॉग कैसे लग रहे हैं आपको कॉमेंट करके बताना। और अब हम लोग तुनशांग से जा रहे हैं 9 o'clock की तरफ को, फिर 9 o'clock से आगे डान करके जगह पड़ती है, डान को हम पहुंचेंगे। डान में इंडिया म्यांमार का बिल्कुल बॉर्डर है, बॉर्डर क्रॉस करके हम लोग 16 किलोमीटर अंदर तक जा सकते हैं, तो अगर परमिशन मिलेगी जाएंगे। वहां पे एक गांव है, उस गांव में विजिट करेंगे, म्यांमार के गांव में। बाकी वो जो गांव है ना, उस गांव की डिपेंडेंसी पूरी इंडिया में है, उनका सारा सामान इंडिया से जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो जब पहुंचेंगे वहाँ पे तभी आपको पता लगेगा। बाकी अभी के लिए इस ब्लॉग को इतना रखते हैं, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत जल्द मिलेंगे एक खूबसूरत से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपने भाई का चैनल घुमा कन्वीनियंस। बाय बाय।